हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो के टाइटल से और मेरी स्माइल से आपको पता लग गया होगा, फर्स्ट सैलरी रिसीव हो गई है आज हमारी। और फर्स्ट सैलरी रिसीव होने के बाद जो खुशी होती है वो तो अलग ही है। आज लगभग 3-3:30 बजे के आसपास हमें सैलरी रिसीव हो गई थी, तो घर वालों को तो स्क्रीनशॉट उसी टाइम सेंड कर दिया था मैंने, लेकिन उसके बाद में बिजी थे काफी शेड्यूल, तो अभी रोल कॉल वगैरह करवा के फ्री हुई हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इस चीज को शेयर किया जाए, क्योंकि जब मैं एक एस्पिरेंट थी, मैं देखती थी वो बाकी लोगों की सैलरी आती है, तो मुझे वो चीज बहुत मोटिवेट करती थी। और एक मिडिल क्लास फैमिली के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, हमारे लिए तो डेफिनेटली जो सैलरी होती है वो बिगेस्ट मोटिवेशन होता है। बाकी जो सोशल स्टेटस है, ये है वो है, वो चीजें साथ में होती है नो डाउट, बट सैलरी तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसके लिए हम पढ़ते हैं, जिसके लिए बहुत बार चीजें अच्छी नहीं हो रही होती हैं, उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है। कभी कभार बीमार है उसके बाद भी पढ़ना है, कभी इंजरी हो गई उसके बाद भी तैयारी करनी है। तो ये सारी चीजें जब सैलरी आती है, तो फिर मैं अभी बोल सकती हूँ इस चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद, तब वर्थ इट हो जाती है ये, कि जो इतना सारा मेहनत थी, इतने सारा टाइम था हमारा, वो सारी चीजें वर्थ इट हो जाती हैं जिस दिन आपके अकाउंट में ये वाला मैसेज रिसीव होता है, क्रेडिट दिस मच अमाउंट। तो अभी थोड़ा सा मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे। उसके बाद मैं सारा प्रोसेस में डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको मेरी फर्स्ट सैलरी का क्या है, कैसे है। तो मेरा नाम मोनिका पुनिया है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 के थ्रू दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ था। करंटली मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्या होता है कि हमें जाते ही उसी मंथ के लास्ट में सैलरी रिसीव नहीं हो जाती है। हमारी जो सैलरी है वो 3 महीने का अराउंड लगभग टाइम ले ही लेती है, इतना वेट करवाने के बाद में आती है। उसका भी एक वैलिड रीजन है कि हमारा प्रोसेस होता है काफी सारा। पहले हमें बेल्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं, बेल्ट नंबर अलॉट होने के बाद में हमारा अकाउंट खुलता है, उसके बाद में पीआईएस नंबर का काम होता है और प्राण नंबर वगैरह का काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम होने के बाद में लगभग 2.5 से 3 महीने के बाद में सैलरी रिसीव होती है। हमारे केस में ये थोड़ा सा और लंबा हो गया था इंतजार, बिकॉज बीच में काफी सारे काम और चल रहे थे दिल्ली पुलिस में, काफी सारी पासिंग आउट्स थी और काफी चीजें थी। तो आज 28 फरवरी को हमें ये फाइनली सैलरी रिसीव हो गई है। लगभग हमारे 3.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अभी हमें सिर्फ फरवरी मंथ की सैलरी रिसीव हुई है, आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर हमें हमारी जो बाकी की सैलरी है वो एरियर के फॉर्म में रिसीव हो जाएगी। एरियर के फॉर्म में मतलब जो 2.5 महीने पहले की सैलरी है वो सारी एक साथ क्रेडिट हो जाएगी हमारे अकाउंट में। और ये 3.5 महीने की सैलरी जो लमसम अमाउंट है वो 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा, 2 लाख से थोड़ा कम रहेगा। तो जो पूरी सैलरी की डिटेल है, सैलरी स्लिप का जो भी होता है कि इसके अंदर इतना परसेंट ये होता है, इतना परसेंट वो होता है, वो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। आज की जो वीडियो थी ये बस यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए थी कि जब फर्स्ट डे सैलरी आती है तो कैसा आपको लगता है। सैलरी आई थी तब तो सब लोगों के ऐसे चेहरे खिल गए थे एकदम से, और उसके बाद में रनिंग होती है शाम की जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती है, शाम की रनिंग, क्योंकि धूप हो जाती है और शाम को रनिंग करना बहुत एक्टिक लगता है। तो वो रनिंग भी आज तो सबने खुशी खुशी कर ली है और सब खुश हैं। सब लोगों ने अपने फटाफट से जैसे ही रिसीव हुई घर पे अपने डियर वंस को, जिनको भी बताना था उनको बताया, और अब वापिस से प्लानिंग्स तो पहले से ही स्टार्ट हो रखी है कि क्या क्या करना है सैलरी आने के बाद में। मेरे भी कुछ मेजर प्लान्स हैं 2-4 जो मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए करने हैं। आप लोग भी जरूर मुझे ये एक्सपीरियंस बताना अपना, या जो एक्सपीरियंस तो नहीं बोल सकते अभी आपके लिए, अगर कोई ऐसा है जो ऑलरेडी लगा हुआ है जॉब में, उनकी फर्स्ट सैलरी आई थी, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताना और बाकी लोग अपनी प्लानिंग बताना, कि क्योंकि बहुत पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं प्लानिंग करना कि जब फर्स्ट सैलरी आएगी तो ये करेंगे, फर्स्ट सैलरी आएगी तो वो करेंगे, या जॉब के बाद हमें ये करना है वो करना है। तो वो सारी चीजें भी आप मेरे साथ शेयर करना, और आपको कैसा लगता है, आपके लिए सैलरी कितनी मोटिवेटिंग फैक्टर है, इस चीज के ऊपर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी आगे की जो वीडियोस हैं वो बहुत रेगुलर बेसिस पे आपको मिलती रहेंगी। जो भी वीडियोस की आपकी डिमांड है उनको कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो आप लोग। ये छोटी छोटी वीडियोस जो बीच के अंदर में अपनी सैलरी से रिलेटेड या अपने पेरेंट्स के साथ कोई मोमेंट होता है वो मैं बनाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो वो चीजें इसीलिए हैं कि जो इतना हेक्टिक स्केड्यूल होता है आपका पढ़ने का, इतना मतलब टफ टाइमिंग्स के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं बहुत बार, तो उन चीजों के अंदर भी आप मोटिवेटेड फील कर पाओ, आपको अच्छा लगे कि हाँ
ये वाला मोमेंट हमारे साथ होगा तो उस दिन ये सारी चीजें वर्थ इट हो जाएंगी, आप मोटिवेटेड फील करो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ में ये चीजें शेयर करती हूँ। बहुत जल्दी मैं वो वाली वीडियोस भी लेके आऊंगी जब जो मैं अपने कुछ मोमेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ में प्लान कर रही हूँ आफ्टर सैलरी, वो सारी चीजें अभी रिवील नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा सरप्राइज रखना चाहती हूँ मैं उन लोगों के लिए भी ये, लेकिन आपको बहुत जल्दी वो वीडियोस भी देखने को मिलेंगी क्योंकि अभी होली के ऊपर हमारी छुट्टियां होंगी तो घर पे जाएंगे, उस टाइम पे वो चीजों के लिए मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम को यूटिलाइज करके मैं उन सारी चीजों के लिए आपको प्लान करें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।